भागलपुर के बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर प्रखंड में मतगणना के दौरान पुलिस व प्रत्याशी के समर्थकों में वाद विवाद होते होते पथराव शुरू हो गया। जीत के बाद समर्थकों को अंदर जाने से पुलिस ने रोका तो लोगों ने पहले जबरदस्ती की, उसके बाद पुलिस व पब्लिक में जमकर पथराव शुरू हो गया। पथराव होते देख मौके पर मौजूद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए लाठी चार्ज कर दिया, जिससे लोग काफी आक्रोशित हो गए और एक दूसरे पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। जबकि इस घटना में कई पुलिसकर्मी एवं पत्रकार भी चोटिल हुए हैं। वहीं जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है और मतगणना हो रही है। भीड़ होने की वजह से पुलिस बल ने नियंत्रण के लिए हल्की फुल्की कड़ी रुख इख्तियार की थी। रात 8-9 बजे तक सभी पंचायतों के रिजल्ट पूरी कर ली जाएगी। सर कैसा मतलब कैसा रहा सर? बढ़िया चल रहा है, शांतिपूर्ण है, देख रहे हैं मतदान भी शांतिपूर्ण हुआ, मतगणना का कार्य भी अच्छे से चल रहा है, तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग समय से ही मतलब हम लोगों को उम्मीद है कि 8-9 बजे तक हम लोगों की काउंटिंग जो है सभी पंचायतों की कंप्लीट हो जाएगी। बाहर में सर पथराव लाठीचार्ज? हाँ, कहाँ बाहर में गेट पर सर ऐसी कोई स्थिति नहीं है लाठीचार्ज वाली। भीड़ ज़्यादा हो जाने पे थोड़ा सा जो है पुलिस बल उसको नियंत्रित करता है, कहीं पथराव और लाठी चार्ज वाली स्थिति नहीं हम लोग कभी आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सब लोग हैं, सर्जन मेजर साहब हैं, सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, तो शांतिपूर्ण चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।